है कि आपने पात्र को दान दे दिया तो भोगों के भोग कहते हैं भोग भूमि में उत्पन्न हो गई। भोगों कितना यहाँ क्या वैभव है, वहां सब उपलब्ध है, किसी भी चीज की वहां पर अभाव नहीं, कोई भी चीज की कमी नहीं। कहते हैं मात्र दान से भोग भूमि की प्राप्ति हो सकती है, ना तुमको अभी साधना करना, ना तुमको उपास करने के लिए कह रहे हैं, ना कोई तुमको त्याग करने के लिए, थोड़ा सा दान देने के लिए ही तो कर रहे हैं। उस सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह वैसे भी उतना ही जब भोजन करता है तो पहले यही भावना भाता है कि पहले भोजन में बाद में करूं, अगर मुझे कोई अतिथि मिल जाए उनको आहार करने का सौभाग्य प्राप्त हो, वह सम्यक दृष्टि हो। तो भोग भूमि भी भोगता है और कहते हैं स्वर्ग भी जाता है। मात्र दान करने से, आहार दान देने से, कहते हैं पात्र को दान दे दिया तो तुमको स्वर्ग बिना मेहनत के स्वर्ग मिल जाना। ओहो, इससे सरल क्या है। फिर भी अगर कोई आपसे कहता है जाओ वहां पर वह सामग्री अनमोल वस्तु मिल रही है, तो तुम बताओ तुम वहां पर दौड़ोगे कि नहीं, फ्री में मिल रही है जाओगे कि नहीं जाओगे। तो बंधु जब जा रहे हो और यहाँ पर भी तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें मात्र थोड़ा सा दान निकालने से, इतना भी नहीं तुमसे कह रहे हैं, कितना साधु को आहार लेना थोड़ा सा। ओ वैसे भी हम कहते हैं कभी भी आहार देने जाया करो, कभी भी खाली हाथ आहार नहीं देना चाहिए, कभी भी चौके में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं है तो अपना सब जो भी आपके शुद्धि से अपना सामग्री बना के भले ही चले या ना चले, लेकिन पुण्य आपको पूरा लगेगा। भले ही आप ले गए ले जाओ, नहीं बना सकते हो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ले जा सकते हो, वो भी नहीं चले, नहीं इतनी कैपेसिटी है, तो कुएं से जल निकाला, प्राशुक किया, एक कैन में एक बाल्टी में लेकर के, एक लोटे में लेकर के जल लेकर के चले जाना और साधु को जल चला दे, उतना पुण्य मिलेगा। कोई पकवान भी बना के ले जाएगा और तुम्हारे कैपेसिटी ने अगर तुम भावों के साथ अगर शुद्धि से जल भी ले गए तो तुमको पुण्य मिलेगा। क्योंकि अगर आप मंदिर में, मंदिर कहना चौके में जब आप जाते हो और आप बिना, जो चौके का मुखिया हो, जिसका चौका होता है, कभी भी हम आपको एक बार संकेत कर चुके थे, जब जाते हो तो पहले ही पूछना चाहिए क्या हम आपके चौके में आ सकते हैं क्या। वह कभी चौका वाला कभी नहीं कहता कि मत आओ, वो कहेंगे आओ आओ दे सकते। वो जब सामग्री देने लगो तो एक बार जरूर पूछना चाहिए, हमसे नहीं पूछना माता जी हम दे ले, हमारा थोड़ी है, हम कहेंगे कि दे लो तो हमको भी चोरी का दोष और तुमको भी चोरी का दोष। हमको तो श्रावक ने लाके रख दिया, एक बात्सल पूर्वक एक दूसरे का आहार करा देते हैं, लेकिन हमारा वस्तु थोड़ी है कि हमसे माता जी हम आहार दे लें। नहीं, उससे पूछो जिसका चौका है, जिसने चौका लगाया है, जिसका नंबर है, जो भी होता हो, पहले उसको आप पूछिए कि माता जी से, नहीं उससे पूछो भाई हम आपका आहार दान दे सकते हैं क्या। कभी श्रावक मना, वह कहेगा खूब अच्छे से दे सकते हो, अब आपको दोष नहीं लगे। वो आपने उठाया और लिया और दे लिया, ध्यान रखना चोरी का माल दे दी था आपने बिना, बस चोरी क्या है, चोरी किसे कहते हैं, बिना पूछे किसी वस्तु को उठा लेना चोरी है। तो चोरी का दोष लग गया आपको, वो चोरी का आहार साधु को जाएगा तो साधु की विशुद्धि घटेगी नहीं घटेगी, बोलो चोरी का माल साधु को चलाओगे तो विशुद्धि घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी। आगम हमारा बहुत सूक्ष्मता से चलता है, हमको दिखाई नहीं देता है, अब अपनी अपनी महसूस करना हम कितनी गलती करते हैं, आहार भी दे करके भी हम पुण्य से वंचित रह जाते। कल हमारे पास पुजारी जो महावीर स्थल में
अभिषेक आदि करते हैं। सारे पुजारी लोग आए, दो दिन से हम यहाँ नहीं आए, वो हमारे पास आके कोई ना कोई प्रश्न कर दे। तो बोले माता जी कि हम तो बस हम ये समझते हैं कि हमने जैन कुल में जन्म ले लिया, बड़े पुण्य से लिया। हमने कहा बिल्कुल ठीक, बहुत दुर्लभ, बहुत पुण्य, पूर्व कितने भावों का पुण्य तीव्र तीव्रम तीव्र पुण्य किया होगा, पूर्व भाव में कितने भावों का पुण्य आज तुम्हारा एकत्रित हुआ कि तुमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया और मनुष्य पर्याय के साथ साथ तुमको जैन कुल मिल गई। तो बोले बस अब जैन कुल हमको मिल गई तो इसका मतलब अब हम ये भी पक्का है, हमको पूर्ण विश्वास है कि अब हम नरकों में उस कढ़ाई आदि में नहीं उबाले जाएंगे। हमने कहा अगर जैन कुल में जन्म ले लिया ये तो बिल्कुल ठीक है, और जो जैन कुल में जन्म ले लेता है बात तो यही है कि जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी नरकों में नहीं जाता, लेकिन कौन जो जिन आगम को जीवन में उतारता है, जो आचरण में उतारता है। आचार्यों ने कहा है श्रावक को पहले दान करो पूजा करो। कहते हैं नरक के चार द्वार होते हैं, उन चार द्वारों को पहले बंद करो, आचरण में लाओ। पहला रात्रि भोजन, दूसरा आचार खाना, तीसरा है तो परिस्त्री सेवन करना और पानी छान करके पीना। इन चार नरक के द्वार अगर पानी छान करके नहीं पीना, इन नरक के द्वार तुम नरक रात्रि भोजन कर रहे हो, नरक का द्वार खुला है। तुम परिस्त्री सेवन कर रहे हो, नरक का द्वार खुला है। तुम रात पानी छान करके नहीं पी रहे हो, नरक तो जाना ही है, कौन तुमको नरकों से बचा सकता है। इसलिए चार जे द्वार, आचार खाना, इस सब नरक के द्वार कहलाते हैं। पहले आप इनका त्याग करो, आचरण में लाओ, तो नियम है कि तुम कभी भी नरकों में नहीं जा सकते। अब तुम ब्रेड खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, पुरुषार्थ आप कर रहे, धर्म करने का आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत स्वामी आचार्य महाराज लिखते हैं कि जो रात्रि में भोजन करता है और तो रात्रि में पानी पीता है वह खून पीने के बराबर है। अब खून पीने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा कि नरकों में जाएगा, बोलो नरकों में जाएगा। हम नहीं कह रहे आपको, मैं अपनी बात में कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ भगवान की वाणी जो मैं आगम में पढ़ती हूँ, जो गुरुओं से सुना है वह मैं आपको बता रही हूँ। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में स्पष्ट लिखा है कि जो रात्रि में भोजन करता है वह मांस खाने के बराबर है और जो पानी पीता है वह खून पीने के बराबर है। अब रात्रि में 12-12 बजे रात तक ढाबा में बैठ करके भोजन चल रहा है, बहु बेटों को खिला रहे हो बना बना करके, कहते हैं ये सब क्या है, कैसे तुम हो सकिया जैन कुल में। तो बंधु कहने का तात्पर्य मैंने कहा, ध्यान रखना, अगर आपका आचरण आगम के अनुसार है तो आप नरकों में जाने से बच सकते हैं। ओ अगर आपने कहते हैं आचरण आपका अच्छा नहीं है, आप नर हे उपादेय का विचार नहीं है, भक्ष अभक्ष का विचार नहीं है, ओ आप कहो जैन कुल में जन्म ले लिया अब तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो कहते कोई बात नहीं, मनुष्य पर्याय तो मिलेगी, नरक नहीं मिलेगा, मनुष्य पर्याय मिलेगी, जैन कुल नहीं मिलेगा। मैंने कहा मनुष्य तो बहुत सारे लोग बन सकते हैं। माता जी ने कहा देखो विदेशों में बड़े बड़े अमीर लोग विदेश में रहते हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, तो ऐसी मनुष्य पर्याय मिलने से क्या फायदा। तो बंधु कहने का तात्पर्य हमारा आगम कहता है कि हमें अपने उच्चारण से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वह भोग भूमि के सुख भोगता है और उसको क्या मिलता है, स्वर्ग आदि मिलता है। और कहते हैं कि क्रमशः एक साथ नहीं, धीरे धीरे फिर क्या होता है, उसको एक दिन निर्वाण की प्राप्ति
हो जाती है, यानी मोक्ष सुख की प्राप्ति को वह श्रावक कर लेता है। जो सुपात्र को दान करे अतिशय पुण्य महान करे, जो सुपात्र को दान करे अतिशय पुण्य महान करे, स्वर्ग भोग भूमि पाकर क्रमशः सुख निर्वाण करे, स्वर्ग भोग भूमि पाकर क्रमशः सुख निर्वाण वरे। जिनवर ही ऐसा हो जिनवर ही ऐसा सदमार्ग दिखाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की हो साधु श्रावक की संहिता दिखलाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए। इसलिए बंधु आचार्य महाराज कह रहे हैं, आप सभी के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि धर्म करो क्रमशः। लोग प्रश्न करते हैं कि बताइए धर्म करने से क्या होता है। कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं कि धर्म करने से होता क्या है। आप लोग कहते हो धर्म करो धर्म करो, धर्म करने से क्या होता है। तो मैंने उन व्यक्ति से कहा, एक बार मेरे पास महान भाव आए कि धर्म करने से क्या होता है। तो मैंने कहा कि आप एक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उस बच्चे से पूछना, बेटा परीक्षा देने से का फल क्या होता है, परीक्षा देने का फल क्या होता है, आप परीक्षा क्यों देते हो। तो वह क्या कहेगा कि परीक्षा देने से हमारी साल भर की जो की गई मेहनत सफल हो जाती है, यही तो कहेगा। अगर वह मेहनत करता रहे, वो परीक्षा ना करे, परीक्षा ना देगा, उस परीक्षा हॉल में नहीं बैठेगा परीक्षा देने के लिए, तो क्या उसकी इस मेहनत सफल हो सकती है क्या? नहीं। जब उसने साल भर मेहनत की है तो उसको परीक्षा तो देना ही पड़ेगी। ऐसे ही भवात्माओं, तो जब उस बालक ने कहा कि मेरी परीक्षा देने से मेरी साल भर की गई मेहनत सफल हो जाती, मेरा एक साल सफल हो गया, ऐसे ही जो धर्मात्मा होते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, दान देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संयम करते हैं, दान देते हैं, आदि आदि आवश्यक कर्तव्य का पालन करते हैं, वे श्रावक अपने धर्म की परीक्षा दे करके एक दिन भोग भूमि और स्वर्ग में जाकर के क्रमशः एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं और जाकर के अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक बना लेते हैं। यानी आपका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया। और अगर आपने एक कार्य नहीं किए, दान पूजा आदि नहीं किया, तो आप तीन काल में भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में समय आपका हो गया है, आप जीवन में धर्म को धारण करें, अपने जीवन में ऐसा दान करें तो एक ना एक दिन हमको भी निर्वाण की प्राप्ति हो। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भवात्माओं, आचार्य कुंद कुंद की वाणी, जन जन की कल्याणी, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली यह वाणी, हम सभी उसका रसपान कर रहे हैं। उन कुंद कुंद स्वामी ने श्रावक की क्रियाओं के बारे में अभी चर्चा चल रही है, आचार्य कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, एक एक क्रिया के बारे में आपको बहुत सुंदर रूप से आचार्य महाराज ने उसका व्याख्यान किया और हम सभी उसको समझ रहे हैं। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, अगर आप वाणी को सुन रहे हो
भले ही आपने वह वस्तु देखी हो या ना देखी हो, लेकिन आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपना उत्थान चाहते हो तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो भगवान की वाणी में खिरा है और जो आगम में लिखा है, ओ गुरुओं ने उसको लिपिबद्ध किया है, उन तीनों पर आपको श्रद्धान रखना पड़ेगा। भले ही आप कल बताया था कि जो सुपात्र को दान देता है वह भोग भूमि के स्वर्ग भोग और स्वर्गों का सुख भोगता है, इतनी बड़ी क्या आपने अभी देखा है का भोग भूमि को देखा है क्या आप अभी स्वर्ग का? आपको गए तो कई बार हो गए, लेकिन आपको याद है क्या? नहीं है। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सुख इसी से मिलता है। कल अपनी बात चल रही थी कि उस बालक से पूछते हैं कि तुम्हारी परीक्षा देने से क्या फल है, अगर परीक्षा क्यों देते हो? आपने साल भर पढ़ा है और आप परीक्षा हॉल में बैठ करके आपने पेपर दे लिया 3 घंटे का, अब इससे तुम्हें उपलब्धि क्या है? तो वह बालक यही कहेगा कि मैं अगर पेपर मैंने दे लिया है, परीक्षा मैंने दे ली, तो मैंने जो साल भर मेहनत की है उस मेहनत की सफलता मुझे मिल जाएगी, मैं एक क्लास आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे जीव, अगर तुमने सुपात्र को दान दे दिया तो नियम से तुम्हारी उन्नति हो जाएगी।